हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पावर बीआई को लेकर के बना रहा हूँ। पावर बीआई में एक्सेल के डाटा को कैसे इंपोर्ट करें, आइए चलिए सीखते हैं। सबसे पहले तो पावर बीआई ओपन कर लेते हैं। ये हमारा पावर बीआई ओपन हो चुका है, आप यहाँ पर जा सकते हैं गेट डेटा पर। तो यहाँ पर चले जाइए और यहाँ दिया हुआ एक्सेल वर्कबुक, आप सेम यही काम यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे जाकर के एक्सेल के वर्कबुक को इंपोर्ट कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक फाइल हमारे पास पड़ी हुई है, इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ और ये डेटा हमारे पास इंपोर्ट होने लगेगा कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये डेटा इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस टेबल पर, ये जो नीचे दिया गया है, इस टेबल पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो डेटा है वो कुछ इस फॉर्मेट में आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। अब ये वही डेटा है जो हमने एक्सेल पे बनाया था, तो हमने इसको इंपोर्ट करा दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिए, ये जो है ना विंडो, इसको यहाँ से ड्रैग करके और इसको बड़ा कर लीजिए। तो ये देखिए, जैसे जैसे मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ एट वेरी राइट साइड की तरफ, तो यहाँ पर ये पूरा डेटा विजिबल होता चला जा रहा है और इस तरीके से ये पूरा डेटा विजिबल हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप इंपोर्ट करा सकते हैं। इंपोर्ट कराना बहुत आसान है, आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि कैसे इसको इंपोर्ट कराना है, ठीक है। देखेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।